गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है मेरे किचन में स्पेशल ब्रेकफास्ट। इसके लिए मैंने 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी मूंग दाल, 1 कटोरी उड़द की दाल को भिगो के रख लिया था 4 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है, अलग अलग पीस करके बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर में। और फिर हम इसको अच्छे से फेंट के रख लेते हैं। इधर हमारा मूंगफली भुन चुकी है, इससे हम बनाएंगे चटनी। और रात भर हमने इसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया था पेस्ट को अच्छे से फेंटने के बाद। इधर मैंने अलग एक बर्तन में निकाल लिया है थोड़ा सा बैटर अलग, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल पतला इसका पेस्ट बनेगा इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ नमक डाला है बस। और अब हम पैन गरम कर लेते हैं। पैन में डालेंगे हम ऑयल, ऑयल आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर से डालेंगे हम कुछ राई के दाने, मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने जो आपके पास अवेलेबल हों। और इसमें हम ऊपर से डालेंगे थोड़े से करी पत्ता। और इस तरह से हम इसके ऊपर से बैटर को डाल देते हैं। और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू हाई। इसको स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा हम इसको थिक ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये अगर थिक बनता है तो। इसके अंदर एकदम स्पंजी जाली सी आएगी। और ये मूंगफली की चटनी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है इसके साथ। और जैसे ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम घी डालेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है रेसिपी। इसके ऊपर से आप सॉस लगा करके ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। और घर में आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। जैसे एक तरफ से कुक हो जाएगा तो इसको हम दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सा लाइट गोल्डन कलर इसमें आया है। और दूसरी तरफ भी हम इसको इसी तरह से कुक करते हैं। तो रेडी हो चुका है ये। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।